तो राम राम मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी गई है इंडोफार्म 3055 एनवी सीमैक्स ट्रैक्टर के बारे में। तो इस वीडियो को मेरे किसान भाइयों एंड तक जरूर देखना। आपको भी 60 या 55 एचपी कैटेगरी में ट्रैक्टर लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखना, कहीं आपका ट्रैक्टर यही ना हो। चलिए मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना मेरे किसान भाइयों। आप भी ट्रैक्टर से प्यार करते हो तो एक प्यारा सा कमेंट एंड लाइक तो कर ही देना। चलिए आज की इस वीडियो को मेरे किसान भाइयों इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने इस ट्रैक्टर का लुक देख लिया, और फ्रंट साइड से लुक की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे किसान भाइयों। फ्रंट साइड से बहुत ही बेटर लुक यहाँ पे निकल के आ रही है ट्रैक्टर की, तो इसमें चार चांद लगा रही है ट्रैक्टर में। तो फ्रंट साइड से बात करते हैं एक्सल की मेरे किसान भाइयों। तो एक्सल की बात करें तो आपको नॉन एडजस्टेबल एक्सल देखने को मिल जाता है, और सेंटर पिन आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको फ्रंट में हिंच देखने को मिल जाती है तो आप इसे टो भी कर सकते हो फंस जाए तो। कंपनी फिटेड आपको बम्पर देखने को मिल जाता है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो और मोटाई देख सकते हो, तो वो आपके हाथ में है, आप देख के ही ट्रैक्टर लेना मेरे किसान भाइयों। कंपनी फिटेड आपको बम्पर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट जाली की बात करें मेरे किसान भाइयों, फ्रंट जाली में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के अंदर इंडोफार्म देखने को मिल जाता है, और ऊपर साइड से बात करें मेरे किसान भाइयों, आपको दो लाइटिंग देखने को मिल जाती है, प्लस आपको इंडोफार्म का लोगो देखने को मिल जाता है बॉडी के अंदर। और लाइटिंग की बात करें तो आपको हाइलोजन बल्ब वाली लाइटिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको अंधेरे में भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं करेगा, ये ट्रैक्टर चीड़ फाड़ कर देने वाली लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। और साइडों में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जाली, तो आपको कहीं पे भी हीट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रैक्टर चलाओगे कितनी देर तक आप ट्रैक्टर चला सकते हो, हीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैक्टर गर्मी नहीं चकेगा। और साइड से बात करें तो आपको यहाँ पे भी इंडोफार्म लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको मिल जाता है मेड इन इंडिया का यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाता है, और डुअल क्लच का भी स्टिकर देखने को मिल जाता है। और मेरे किसान भाइयों फ्रंट टायर साइज की बात करें तो आपको 7/50/16 का बिग टायर देखने को मिल जाता है। और मेरे किसान भाइयों दूसरी साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको दो पंप देखने को मिल जाते हैं, जिसे टेंडर पंप भी कहा जाता है। यहाँ पे टेंडर पंप देखने को मिल जाता है, एक तो हो गया हमारा हाइड्रोलिक का और एक हो गया पावर, ये इसके मिल जाते हैं। यहाँ पे फिल्टर और ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हीट गार्ड मिल जाता है। आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको यहाँ पे गर्म नहीं लगा। ये इसका एग्जॉस्ट हो गया, विग वाला एग्जॉस्ट, बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इंडोफार्म लिखा हुआ मिल जाता है, और नीचे डुअल क्लच और स्वदेशी का यहाँ पे स्टिकर भी मिल जाता है। और साइड से बात करें तो यहाँ पे भी सीमैक्स 3055 भी लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरी साइड से बात करते हैं और मेरे किसान भाइयों इसके इंजन पे यहाँ पे नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं इसके यहाँ पे ब्रेक्स की बात करें तो मेरे किसान भाइयों आपको ऑयल लिमरेस्ट ब्रेक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इंजन डट आरपीएम की बात करें मेरे किसान भाइयों तो 2200 इंजन डट आरपीएम आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं लगते ही हाथ इसके जॉइंट के बारे में, तो बहुत ही मजबूत इसका जॉइंट दिया गया है, आप खींचोगे तो यहाँ पर टूटने नहीं वाला, तो इसके लिए तो लाइक बनता है। अब दूसरी साइड हम आ जाते हैं ट्रैक्टर के, दूसरी साइड से बात करें तो सबसे पहले आपको मैं दिखाया तो इसका इंजन, इंजन पे आप एक बार नज़र मार लीजिए। और इसके पावर स्टेयरिंग की बात करें तो आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। और इंजन सिलेंडर की बात करें मेरे किसान भाइयों तो 3 सिलेंडर वॉश कंपनी का आपको इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिल जाता है, और वॉश कंपनी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 3 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है। और मेरे किसान भाइयों एचपी और सीसी की बात करें तो आपको 55 HP का यहाँ पे इंजन मिल जाता है, और सीसी की बात करें तो 2800 CC का यहाँ पे इंजन देखने को आपको मिल जाता है, जो वर्क करता है 2200 इंजन रेटेड आरपीएम पे। ये इसका वाटर सेपरेटर है, जो ऑयल टंकी से आएगा और वाटर होगा ऑयल के अंदर, जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर शुद्ध जो ऑयल होगा उसको ये पंप में ट्रांसफर कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, यहाँ पे जो वाटर होगा वो मेंटेनेंस के थ्रू यहाँ पे निकल जाएगा और इंजन को कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये हो गया इसका, और ये इसके हो गए फिल्टर, और इसका हो गया पावर स्टेयरिंग सिंगल एक्टिंग वाला, सिंगल रोड आती है इसको सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग बोलते हैं। और बात करते हैं इसके फुट स्टेप की, यहाँ पे एक फुट स्टेप दिया गया है जो ऊपर चढ़ने में आपको आसानी होगी। और बात करते हैं लगे हाथ इसकी क्लच की, तो क्लच आपको डुअल क्लच देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो शुरू में आपको मैंने स्टिकरिंग दिखाई थी वो स्टिकर भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको दिखा देता हूँ डुअल क्लच, आपको डुअल क्लच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब मेरे किसान भाइयों ऊपर चढ़ के आपको इसका ओवरऑल व्यू चेकआउट करा देता हूँ, आप ओवरऑल व्यू इसका चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही स्टाइलिश सा निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं इसे फेंडर और सीट के बारे में, तो आपको कंपनी फिटेड ही फेंडर और सीट देखने को मिल जाती है, और ये होगी हमारी हत्थी जो चढ़ते वक्त हमको काम आएगी। और ये साइड में आपको टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। और बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीटिंग के बारे में, तो यहाँ पे एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही कंफर्ट की बात यहाँ पे
हो जाती है मेरे किसान भाइयों। अब ऊपर चढ़ के सीट के ऊपर बैठ के आपको दिखा देता हूँ इसका ओवरऑल फ्रंट व्यू कैसा आ रहा है, जो हमें देखने के लिए काम आएगा। तो फ्रंट व्यू आप चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत ही स्टाइलिश फ्रंट लुक निकल के आ रहा है, तो आपको देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं इसके मीटर के बारे में, तो आपको बहुत ही स्टाइलिश मीटर देखने को मिल जाता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन इंजन के बारे में बताएगा। आप चेकआउट कर सकते हो, ये हाथ वाली रेस हो गई। स्टेयरिंग के नीचे से बात करें तो आपको 12 बोल्ट का यहाँ पे सॉकेट एंड की लगाने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, और इसका प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो फ्लैट सा ही प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे बंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं इसके गियर ट्रांसमिशन की, गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स आपको गियर देखने को मिल जाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ उधर वाला भी, हाई एंड लो वाला आप चेकआउट कर सकते हो, कछुआ और यहाँ पे हो गया खरगोश। बात करते हैं इसके पीटीओ के बारे में, पीटीओ के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे रिवर्स पीटीओ एंड फॉरवर्ड पीटीओ आपको देखने को मिल जाता है। पीटीओ एचपी की बात करें मेरे किसान भाइयों, तो आपको पीटीओ एचपी है इसमें देखने को मिल जाती है। पीटीओ एचपी के बारे में बात करें मेरे किसान भाइयों, तो आपको 42.5 एचपी की पीटीओ पावर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक के बारे में, तो हाइड्रोलिक के बारे में बात करें तो आपको एडीडीसी हाइड्रोलिक कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। आप इस दोनों लीवर को भी हाथ में लेके इसका यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सीट के नीचे आपको ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिल जाता है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात हो जाती है रोड वगैरह पे ले जाओगे, जिसका आप लॉक का यूज कर सकते हो। बात करते हैं इसके रियर टायर के बारे में, तो रियर टायर आपको यहाँ पे 14/9/28 का रियर टायर देखने को मिल जाता है, तो आपको बिग टायर देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। आप कहीं भी एप्लीमेंट चलाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ग्रिप वगैरह में। अब पीछे साइड से बात करते हैं, तो इसका लुक चेकआउट कर सकते हो मेरे किसान भाइयों, मुझे तो बहुत अच्छा इसका लुक लगा, आपको भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब पीछे सीट्स की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर, सबसे पहले बात करते हैं मेरे किसान भाइयों इसके लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट के बारे में पहले बात करते हैं, इसकी चौड़ाई एंड इसकी मोटाई आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। इसकी लिंक है ना वो बहुत ही मजबूत दी गई है, और ये हो गई इसकी यहाँ पे ड्राइवर, और दोबारा आपको दिखा देता हूँ इसकी मोटाई एंड चौड़ाई। बात करें लिफ्ट कैपेसिटी, लिफ्ट कैपेसिटी आपको यहाँ पे 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और बात करें यहाँ पे हुक की, तो आपको कंपनी फिटेड हुक देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसकी मजबूती की, तो आपको बहुत ही हैवी ड्यूटी आपको मजबूत यहाँ पे पीछे वाला हुक देखने को मिल जाता है, इसके लिए एक लाइक बनता है। बात करें इसके पीटीओ में, तो आपको पीछे आपको पीटीओ देखने को मिल जाता है 42.5 एचपी का, कुछ यहाँ पे पीटीओ एचपी देखने को मिल जाती है। और साइड में आपको यहाँ पे टॉपलिंग टांगने के लिए हुक दिया गया है, और टॉपलिंग के बारे में बात करें तो आपको हैवी ड्यूटी टॉपलिंग देखने को मिल जाती है, एक बार इसकी चौड़ाई एंड मोटाई आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपलिंग डालने के लिए होल कितने मिल जाते हैं, तो आपको 3 होल देखने को मिल जाते हैं मेरे किसान भाइयों, 3 होल देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसे मिट्टी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। कंपनी फिटेड 2 ऑब्जरी बाल देखने को मिल जाती है मेरे किसान भाइयों, जिसका कंट्रोल ड्राइवर सीट के ही पास आपको देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए एक लाइक मेरे किसान भाइयों बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेंसर के बारे में, तो आप इससे मिट्टी के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो ये सेंस कर लेगा मेरे किसान भाई। यहाँ पे सेंसर दिया गया है, ये सॉकेट दिया गया है, आप ट्रॉली वगैरह में चलाओगे, कोई भी एक्सेसरी लगाओगे इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो यहाँ पे भी आप जोड़ के लगा सकते हो। बात करते हैं इसके रियर एक्सल के बारे में, तो आपको फुल हैवी ड्यूटी यहाँ पे रियर एक्सल देखने को मिल जाता है, और दोनों साइड से आपको मैं चेकआउट करा देता हूं। और बात करें मेरे किसान भाइयों इसके मट कार्ड में, तो मट कार्ड आपको नॉन एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, और साइड में आपको यहां पे हैवी लिफ्ट का यहां पे एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, और मट कार्ड का डंडा भी यहां पे कंपनी फिटेड आता है, आप एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बस यही थी मेरे किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।